हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल आरबी किचन पे। आज हम बनाने जा रहे हैं एग परांठा। ये आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या ऐड करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिया है एक एग, और इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड करने हैं, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और शिमला मिर्च, कटा हुआ प्याज। इसमें हम ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। नमक डाल दिया मैंने, ऐड किया धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। अभी जो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए इसमें अगर आप हरा धनिया डाल लेंगे तो और भी टेस्ट बढ़िया लगेगा इसका। अभी हम रोटी बनाएंगे, तो ये डो मेरे पास पहले से तैयार है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप मैदा, हाफ कप आटा, थोड़ा सा डाला है इसमें नमक मैंने एज ए टेस्ट जितना हमें चाहिए, एंड एक टीस्पून डाला है इसमें मैंने घी, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद हमें इसे अच्छे से गूंद लेना है और डो हमारा तैयार हो जाएगा कुछ ऐसे। तो चलो अभी हम बनाते हैं इसकी चपाती। चपाती ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अभी इस चपाती को हम वन साइड जो है बनाएंगे, एक साइड से सेकना ऐसे। ये देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा, वन साइड इसको कर लेंगे, एक साइड छोड़ देंगे। मैंने एक नॉन स्टिक की पैन लिया है, इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा अप्लाई करूँगा मैं रिफाइंड ऑयल, ये थोड़ा सा मैंने इसमें जो है बटर डाल दिया है। अभी ये जो कच्ची साइड है ये हम रखेंगे नीचे, कुक करेंगे अभी इसे हम। ये एग जो मैंने अभी रखा था पहले तैयार करके इस पर डाल दिया हमने, फिर डाल देंगे दूसरी चपाती। ये देखिए अभी मैंने ऊपर से इसे कवर कर दिया एक प्लेट से, करीब एक मिनट के लिए इसे मैं रखूंगा इसे। अभी एक मिनट बाद मैं इसे दूसरी साइड चेंज कर दूंगा। ये देखिए ऐसे एक तरफ जब ये फूल गया तो समझो ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगा। ये देखिए गाइस, हमारा परांठा अभी बन के बिल्कुल रेडी है। अभी इसके पीसीस करेंगे हम। गाइस अभी हमारा ये एग परांठा बन के बिल्कुल तैयार है। दिस इज टाइम टू सर्व दिस परांठा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।